ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार। हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हर दिन बाबा का होता है, हर दिन भगवान का होता है, लेकिन कुछ कुछ दिनों का समय का महत्व ही अलग होता है। जैसे कि गुरुवार का दिन हम सभी साई दिन बाबा का वार मानकर मनाते हैं कि आज साईं वार है, आज गुरुवार है, अर्थात गुरु का दिन। तो बाबा हमारे गुरु ही नहीं, हमारे माता पिता सखा सब कुछ है। हमारे घर के कर्ता धर्ता हैं साईनाथ। जो भक्त बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं उनसे पूछिए कि साई ने उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं बदल दिया। आज के दिन कुछ साई भक्त बाबा के दर्शन के लिए मंदिर भी जाते हैं, साईं धाम भी जाते हैं और अपनी पूजा को अपने श्री साईं चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित कर देते हैं। अपने जीवन की हर समस्या को साईं चरणों में छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं कि जब बाबा ने संभाल लिया है तो फिर मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्यों है ये गुरुवार हम सभी साईं भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा खास? क्योंकि हाँ, इस दिन में एक शक्ति है। ये दिन हमें और अधिक मजबूत बना देता है। सभी दिन बाबा के हैं, मानते हैं हम, लेकिन फिर भी गुरुवार के दिन भक्ति कुछ अलग ही बढ़ जाती है, कुछ प्यार बाबा के लिए अलग ही बढ़ जाता है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, ये तो बाबा ही जाने, लेकिन फिर भी ये गुरुवार का दिन हम सभी के लिए बहुत स्पेशल होता है। जब भी गुरुवार आता है ऐसा लगता है कि मानो कोई त्यौहार आया हो। और बाबा हमें यही सिखाते हैं कि श्रद्धा रखो और सबूरी से काम लो, क्योंकि जीवन में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ काम कठिन हो सकते हैं लेकिन उन्हें ना कर पाना ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि हम कोशिश करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, कई बार ऐसा भी लगता है कि ये कार्य तो बिल्कुल भी हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वक्त बीतते बीतते हम उसी कार्य को करना सीख जाते हैं और हम दूसरों को कहते हैं अरे कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी है। तो जब तक किसी काम को हमने किया नहीं तब तक हम उसके बारे में जानते नहीं कि वो आसान है या कठिन। जब हम उसे करते हैं, उसे जानते हैं, उसे समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे या तो ये बहुत कठिन है और या तो ये बहुत सरल है। उसी प्रकार भक्ति भी है। भक्ति दूर से देखो तो लगता है अरे कितना कठिन काम है भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, आराधना करना, मन लगाना। लेकिन जब हमको भगवान से प्यार हो जाता है, जब हमको भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं चारों तरफ, फिर भक्ति भी मुश्किल नहीं लगती। फिर लगता है कि भक्ति प्यार में ही तो है। जब हम अपने भगवान से प्यार करते हैं, उनकी राह पर चलते हैं, और भगवान की राह सच्चाई की राह, वो इतनी अच्छी राह है जहाँ से हमें कभी भी दुख नहीं मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। कठिन राह है, चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मंजिल बहुत अच्छी है। उसको उस पर चलने का सुकून अलग तरीके का है, क्योंकि उस पर भले ही कांटे हैं लेकिन संभालने वाला भी हर एक कांटे से संभाल रहा है, हर एक प्रॉब्लम से संभाल रहा है। आप खुद सोचिए, क्या आज तक आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई नहीं आई? क्या आज तक आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? आई है ना, और आपने उस प्रॉब्लम को क्रॉस भी किया है, आपने उस प्रॉब्लम को फेस किया है, उससे आगे आप बढ़े हो। तो आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है, इसीलिए आप अभी तक सलामत हो और अपने हर काम को करने में सक्षम हो। तो बस अपनी सुबह अपने भगवान के साथ थोड़ा वक्त निकालिए। जब भी आप कोई काम करना है आपको, तो सबसे पहले अपने भगवान के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके श्री चरणों में बैठिए कि प्रभु मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझ पर दया रखना, मेरी श्रद्धा की लाज रखना। बाबा, मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहता, ना किसी का बुरा देख सकता हूँ। मुझे इतना सक्षम बनाना कि मैं सबकी सहायता कर सकूँ, सबकी मदद कर सकूँ, सबके काम आ सकूँ। हे प्रभु, आपने ये आँखें दी हैं, इन आँखों को मैं हमेशा आपके दीदार में लगाऊँ, जब भी देखूँ मुझे आपका दीदार हो।
हे प्रभु, इन अखियन में आपकी सूरत समाई जाए। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी देखूँ, जब भी देखूँ, मुझे आपका दीदार होता रहे। इन हाथों से सदैव सेवा करता रहूँ, सेवा में हमेशा तत्पर रहूँ। मैं कभी भी सेवा करने से घबराऊँ ना बाबा। मुझे इतना सक्षम बनाना, इतना सामर्थ्य देना कि प्रभु मैं कभी भी सेवा करने से पीछे ना हटूं। आपके आशीर्वाद से मैं हमेशा हर सेवा के कार्य में सबसे प्रथम स्थान लूं। और इतनी कृपा बनाए रखना कि हम सभी चलकर आपके धाम, जब भी दिल हो मैं अपने साईं के दर्शन कर सकूं, जब भी दिल हो मैं अपने बाबा के धाम जा सकूं और बाबा से बात कर सकूं, बाबा का दीदार कर सकूं। हे प्रभु, हर कदम पर आपका नाम लेकर मैं आगे बढ़ता जाऊं और अपने परिवार की रक्षा करता रहूं, अपने परिवार की हिम्मत बनकर डटकर उनके जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करता रहूं, ताकि मेरे परिवार में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए बाबा। मेरा परिवार हमेशा खुशियों से भरपूर बना रहे। और हे प्रभु, आपने जो कुछ भी दिया मुझे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं जब भी सुनूं तो अच्छा सुनूं, आपका भजन सुनूं, अच्छी बातें सुनूं। इन कानों में कभी भी किसी की निंदा ना सुनूं मैं, कभी भी किसी की बुराई ना सुनूं मैं, कभी भी किसी की बुराई मैं करूं भी ना, सुनूं भी ना, सोचूं भी ना और देखूं भी ना। हे प्रभु, बस इतना कृपा बनाए रखना, इतनी कृपा रखना, इतना आशीर्वाद देना कि मैं जो करूं अच्छा करूं, अच्छे के लिए करूं और अच्छे ढंग से करूं, अच्छी नीयत से करूं। कहते हैं सेवा तो सब कर लेते, लेकिन सेवा का पहला स्टेप है नियत। जब आपके अंदर किसी चीज़ को करने की नियत होगी ना, तो भगवान आपको शक्ति भी देंगे, क्योंकि जब नियत है करने की तो हम आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो भगवान किसी ना किसी सहायता देने आ ही जाते हैं, किसी ना किसी रूप में आ ही जाते हैं। जब अच्छे मार्ग पर चलने की इच्छा होती है ना, तो भगवान भी सहायता करते हैं कि तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, घबराना मत, कभी कुछ बुरा नहीं होगा। क्योंकि लाइफ में जब हम कुछ बड़ा करना होता है तो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं, प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़कर भी बहुत कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम्स हमें सिखाने आती हैं कि ज़िंदगी से लड़ो और आगे बढ़ो, रुकना ही कुछ नहीं है। रुकने से तो सब कुछ रुक जाता है, लेकिन चलने वालों को मंजिल मिल जाती है। तो बस मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि हे प्रभु, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा में उनकी सहायता करना कि वो अपनी लाइफ में सफल हों, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करें। जो जॉब कर रहे हैं, जो अच्छी जॉब चाहते हैं, भगवान जी उनको अच्छी नौकरी मिले, ताकि वो अपने परिवार को खुशियाँ दे सके, हर एक का सपना पूरा कर सके। जिनका जो भी काम है बाबा, उनका हर काम बहुत बहुत तरक्की हो उनके हर कार्य में। जो घर पे रहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनको सुकून देना साईनाथ, सभी पर रहम नज़र करना, दया करना, सभी के घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। जिनको भी जो भी समस्या है बाबा, सभी का समाधान हो। जो सेहत संबंधी परेशान है, उनकी सेहत अच्छी हो जाए, वो कभी भी किसी परेशानी में ना रहे। प्रभु, आपका आशीर्वाद जब होगा तो सब कार्य सफल होंगे, सब पर आपकी कृपा होगी और सभी खुश रहेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर श्री साईं बाबा के 11 वचनों को पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और जिनकी भी सेहत संबंधी परेशानी है, 12:30 बजे लाइव मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि साईं जी हमारी प्रार्थना को बहुत जल्दी स्वीकार करें। ओम साई राम। तो आइए मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़ें और आज का दिन शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साई कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।